हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो का टाइटल रहेगा बेसिक हनी बी कीपिंग में हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स और कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल एक बी कीपर की, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्प्लीमेंट है वो जो बी कीपर के पास होना चाहिए वो रहता है हमारा बी हाइव। जो बी हाइव है बेसिकली ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जहाँ पे हमारी बीज जो है हनी प्रोडक्शन करती हैं, नॉर्मल अपनी रेयरिंग करती हैं, एंड दैट्स इट। और अगर हम बात करें बी हाइव की, तो इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो होता है वो होता है हमारा टॉप कवर। टॉप कवर बेसिकली ये एक वुडन कवर होता है और इसके ऊपर हम एक टिन की फिल्म को रखते हैं। इस टिन की फिल्म का बेसिक पर्पज़ ये रहता है कि वो हमारी हनी बीज को सनलाइट, एक्सेस रेन या ऑस वगैरह से बचाता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो रहता है हमारा सपर। ये कंपोनेंट हमारा सपर है। सपर में हमारा हनी प्रोडक्शन रहता है। जो हनी प्रोडक्शन है वो वर्कर बीज से करती हैं, और इस पोर्शन में सिर्फ वर्कर बीज और हनी प्रोडक्शन वाले जो हमारे हनी कॉम्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो रहता है ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर ये ऐसा बॉक्स है जिसमें हमारी क्वीन बी, हनी बी वर्कर हनी बी एंड ड्रोन्स, ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे ही हमारी जो क्वीन बी है वो रेयरिंग करती है, एग्स ले करती है, और जो हमारे बाकी के जो अपकमिंग बीज रहती हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। एंड लास्टली ये जो हमारा पूरा बी हाइव का सेटअप है, इसके लिए हम एक आयरन स्टैंड जनरली यूज़ करते हैं। ये आयरन स्टैंड एक तो हेल्प करता है हमारी जो बी हाइव है उसको अपराइज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करने में, और दूसरा जो एंट्स हो गए या फिर और कोई प्रेडेटर्स हैं उनसे बचाने में। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा ब्रूड चैम्बर है बेसिकली यहाँ पे एक लैंडिंग सरफेस प्रेजेंट रहता है। ये जो लैंडिंग सरफेस है यहाँ से हमारी वर्कर बीज बाहर और अंदर जाती है। ये एक तरह से इनलेट और आउटलेट का काम करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो हमारे बी चैम्बर्स हैं उसमें हमारा ये फ्रेम प्रेजेंट रहता है। ये जो फ्रेम है इसमें लाइव वायर्स होती हैं, और ये जो आयरन वायर्स हैं ये है इसके ऊपर हम अपना हनीकॉम फिलामेंट लगाते हैं। अब हनी बी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये जो फ्रेम्स हैं इनके ऊपर हम ये फाउंडेशन शीट्स, इसे हम वैक्स फाउंडेशन शीट कहते हैं, ये एक तरह से इनोक्यूलम का काम करती है फॉर हनी बीज टू मेक देयर हनी कॉम्स। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें हेक्सागोनल कॉम की प्रेजेंस रहती है। सो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वी वैक्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो हमारा लैंडिंग सरफेस है जनरली यहाँ पे हम पॉलन कलेक्टर्स यूज़ करते हैं लाइक दिस। अभी जितनी भी वर्कर बीज हैं वो सारी इस होल से अंदर को जाएंगी, यानी कि इनलेट करेंगी, और जो उनके लेग्स पे पॉलन्स होंगे वो इस ड्रॉर में कलेक्ट हो जाएंगे। ऑल्दो ये ड्रॉर एम्प्टी है बट देयर आर फ्यू सैंपल्स। दिस इज़ द पॉलन which has been collected from this pollen collector. So, ये हमारा pollen sample है। Now, the next equipment. जब भी हम honey extract करते हैं एक frame से, तो उस time हमारे combs के ऊपर generally एक wax capping रहती है। उस wax capping को remove करने के लिए हम ये decapping knife use करते हैं। अब या तो ये decapping knife हम manually use करते हैं, manually हम इसको heat करेंगे, एंड देन हनी कॉम के ऊपर सपोज ये फ्रेम है इसके ऊपर हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, एंड जो कैपिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं हमारे हनी फिल्ड कॉम में वो सारे रिमूव हो जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम इन नाइफ को हीट करते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। बट एज फार एज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक डीकैपिंग नाइफ्स भी आ गई हैं। हमें सिंपली इसको पावर सप्लाई के लिए यूज़ करना है, एंड देन हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं।
एंड जो हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है दिस इज बी ब्रश। बी ब्रश बेसिकली एक सॉफ्ट हेयरी ब्रश रहता है। इसमें क्या होता है, जब हम हनी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी भी फ्रेम से, तो हम सिंपली बहुत लाइटली हम बीज को रिमूव कर सकते हैं। आई कैन शो यू अ सैम्पल। सपोज ये हमारा हनी कॉम्ब है, हम बी ब्रश से इसको सिंपली ऐसे रिमूव कर देंगे हनी बीज को, एंड देन हम अपना जो फ्रेम है हनी कॉम्ब वाला उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हनी एक्सट्रैक्शन। सो उसके अलावा एक और डीकैपिंग इम्प्लीमेंट रहता है, दिस इज रोलर। इसके ऊपर स्पाइक जैसी टूथ रहती है और ये जो टूथ है ये डीकैपिंग में हेल्प करती है। डीकैपिंग कैसे, कि ये रफ सरफेस है तो ये इजीली कैप्स को रिमूव कर देंगे। सो द नेक्स्ट जो हमारे छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी क्वीन बी की बात करें, दिस इज क्वीन बी कैप। इसमें हम क्वीन बी को रेयर कर सकते हैं और क्वीन बी को हम इसके अंदर केज करके रखते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये है क्वीन बी रेयरिंग शीट। इसके अंदर हम बड़ी सारी क्वीन बीज को एट द सेम टाइम रेयर कर सकते हैं। उसके अलावा दिस इज आल्सो वन इम्प्लीमेंट। इसमें बेसिकली ये स्टील के सेल्स हैं और इन सेल्स में हम जो क्वीन बी लार्वाज होते हैं उनको इसमें हम डाल देंगे एंड दे गेट अल्टीमेटली डेवलप इनटू क्वीन बी। तो हम आर्टिफिशियली क्वीन बी को किसी कॉलोनी में इनोकुलेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाइव टूल। जनरली जो हमारा फ्रेम रहता है हमारे हाइव में, उसके ऊपर एक प्रोपोलिस जैसा क्वीन बीज सब्सटेंस रिलीज करती है। ये जो सब्सटेंस है ये स्टिकी होता है, तो जब हम बी कॉलोनीज को शिफ्ट करते हैं या चेक करते हैं तो हम ये हाइव टूल यूज़ करते हैं, सो दैट कि हम इजीली बीज को बिना डिस्टर्ब करे हम अपना फ्रेम निकाल सकते हैं। सो अब बीज की तो बात हो गई, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि बीज को हम फीड कैसे करेंगे। अब जब हमारा सीजन फ्लावरिंग सीजन नहीं प्रेजेंट होता, हमें बीज को आर्टिफिशियली फीड करना होता है। उस बीज को आर्टिफिशियली फीड करने के लिए हम ये फीडर यूज़ करते हैं जिसमें हम शुगर सिरप डालते हैं। इसमें जब हम शुगर सिरप डालते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम स्ट्रॉ या कोई क्लॉथ वो यूज़ करें, सो दैट कि बीज जो है उनसे जो सिरप है वो सक अप कर ले। बिकॉज अगर खाली सिरप डालेंगे इसमें चांसेस रहते हैं जो हमारी बीज है वो इसमें डूब सकती है। सो दिस इज फीडर। नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम बी कल्चर यूज़ करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें हम प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए, खुद की एंड बीज की प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज स्मोकर। ये स्मोकर है, इसमें हम जनरली पुराने जूट बैग्स को जला सकते हैं, ड्राई काउ डंग को जला सकते हैं और इसको सिंपली हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अभी यहाँ से स्मोक निकलेगा, स्मोक आउटलेट है ये। अब इसका मेन पर्पस होता है जब हमारी बीज एग्रेसिव हो या हमें काम करना है बट पॉपुलेशन डेंसिटी बीज की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्मोकर यूज़ करते हैं, ताकि कि जो हमारी बीज हैं वो शांत रह सके और हम भी आराम से अपना काम कर सकें। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे रबर ग्लव्स। ये जनरली हमारी एल्बो लेंथ तक प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारे हैंड्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये हमारा बी वेल है। बी वेल हम जनरली फेस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके सराउंडिंग में ये नेट लगा है और ये वायर्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा फेस और नेक रीजन जो है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अदर देन दिस हम दो तरह के डिसइंफेक्टेंट्स और स्प्रेज यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर की हम नॉर्मली डस्टिंग करते हैं अपने बी बॉक्सेस में। ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल है जो हमारे बी प्रोडक्शन में मतलब एक तरह से ऑब्स्टैकल क्रिएट कर सकता है
या उसके अलावा कोई इंसेक्ट अटैक, टर्माइट अटैक, उस सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सल्फर पाउडर की डस्टिंग करते हैं। अदर देन दिस जो हमारा इक्विपमेंट है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है। हम क्या करते हैं कि कॉटन बॉल्स लेते हैं, उनको फॉर्मिक एसिड में डिप करेंगे और उसको स्लाइटली बॉक्स के अंदर रख देंगे एक कॉर्नर। अब इसके फ्यूम्स जब रिलीज होंगे तो वो हेल्प करेंगे बी प्रोडक्ट, हमारा जो टर्माइट अटैक या अदर देन दिस माइट अटैक हो गया, वैक्स मॉथ हो गया, इन सबको किल करने के लिए। सो उसके अलावा हमारे दो छोटे इक्विपमेंट्स हैं। दिस इज लार्वा पिकर। ये एक हुक सा स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या करता है, सपोज अगर हमें क्वीन बी की रेयरिंग करनी है और एक हाइव में ब्रूड चैम्बर में अगर हमें कहीं कॉम्ब में क्वीन बी सेल मिल जाता है, हम इससे इजीली उस सेल को पिक करके आर्टिफिशियली रेयर कर सकते हैं, ऐसे कुछ आर्टिफिशियल रेयरिंग स्ट्रक्चर्स यूज करके। उसके अलावा ये हमारा रहता है वायर एम्बेडर। ये वायर एम्बेडर हेल्प करता है हमारे फ्रेम में जो वायर्स लगी होती है उनको और हनीकॉम्ब को सेटअप करने में, और ये इस तरह से रोटरी मोशन में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड लास्टली जो हमारा मेन पर्पस होता है बी कीपिंग का, वो रहता है हनी प्रोडक्शन। तो हनी प्रोडक्शन में हम बेसिकली यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल हनी एक्सट्रैक्टर। ये जो सेंट्रीफ्यूगल हनी एक्सट्रैक्टर है, हम इसमें सिंपली अपने फ्रेम लेते हैं, इन फ्रेम्स को इसके अंदर जस्ट नॉर्मली हम मतलब इस तरह से पोजीशन करेंगे, एंड इसमें जब एयर का प्रेशर ऊपर से पड़ेगा हम इसे रोटेट करेंगे तो इस तरह से जो हनी है वो एक्सट्रैक्ट होगा। हनी जो एक्सट्रैक्ट होगा वो यहाँ वॉल्स पे आ जाएगा और वॉल्स के थ्रू फ्लो करते हुए ये जो आउटलेट है हमारा यहाँ पे, यहाँ से हमारा हनी रिलीज हो जाएगा। And here is the final product, that is honey. Thank you. That's for today. I hope you like our video. Please don't forget to like, share and subscribe.